अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो, यानी मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताने जा रहा हूँ कि आप यूएसबी से कोई भी विंडो किस तरह इंस्टॉल करोगे। लेकिन विंडो इंस्टॉल करने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और उन सब फैक्टर्स की ट्रेनिंग को मैं वन बाई वन आपको पहले अलहदा से सिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि हम एक यूएसबी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें डीवीडी की फिर ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम यूएसबी से ही विंडो इंस्टॉल कर लें। सो यूएसबी बनाने के लिए आपको विंडोज़ की जो डिस्क है, जो विंडो की डीवीडी है, उसकी तमाम फाइलों का एक इमेज बनाना पड़ेगा। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किसी भी डिस्क का इमेज कैसे बनाना है, और यूएसबी के लिए हमें जिस इमेज की टाइप जो टाइप चाहिए वो है आईएसओ। ठीक है, सो मैं क्विकली आपको एक रिकॉर्डिंग देने लगा हूँ जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दूंगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा, और उस सॉफ्टवेयर को किस तरह इस्तेमाल करते हुए आप इमेज बना सकते हो। ठीक है, सो पहला जो हिस्सा है, इसका पहला एपिसोड है, इस एपिसोड में आप ये देखोगे कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। सो आईएसओ बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ, सो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। और इस सॉफ्टवेयर का नाम है आईएसओ, जी पावर आईएसओ। ठीक है, आप देख रहे हैं इसके अंदर दो फाइलें आपको नजर आ रही हैं। सो एक फाइल के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है X32 और एक फाइल पे लिखा हुआ आ रहा है X64। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं विंडोज में। क्या हम 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या 32-बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं? ठीक है, ये आप मेरा विंडोज 10 की लेक्चर की एक सीरीज आ रही है, उसमें आप इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी जरा मैं क्विकली आपको एक बात बता देता हूं कि सिर्फ हमें ये देखना है कि इस वक्त जो हम विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी फिलहाल यहां तक इतनी ही बात करेंगे कि इस वक्त जो हम विंडो यूज करने लगे हुए हैं, जो इंस्टॉल्ड विंडो है, वो कौन सी वाली है, ताकि हमें इसमें जो मजीद सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं हम उसी की कंपेटेबिलिटी से उनको ऐड कर लें। ठीक है, सो क्विकली हम इस चीज को देखते हैं कि हमारी इस वक्त करंट विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है वो कितनी बिट पर है, 64 बिट पर है कि 32 बिट पर है। सो एक काम करते हैं, मैं इधर आ रहा हूं और यहां से हम जाते हैं पीसी पर, दिस पीसी। ओके, आपने दिस पीसी पे क्लिक करना है और यहां पे लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम प्रॉपर्टीज। जी, हम सिस्टम प्रॉपर्टीज पे आए हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी हुई है कि इस वक्त हमारे पास कौन सी विंडो चल रही है, ये कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, प्रोसेसर कौन सा यूज हो रहा है ये भी यहां पे पता लग रहा है, इसमें रैम कितनी लगी हुई है ये भी, और जो हम यहां काम करने आए थे वो ये देख लें आप, लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम X64 बेस्ड प्रोसेसर। यानी यहां से हमें पता लग रहा है कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुई बल्कि 64 बिट विंडो हमने इंस्टॉल की हुई है। इसका ये मतलब है कि अब इसमें हम मजीद जितने भी सॉफ्टवेयर ऐड करेंगे हमें 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर ऐड करने चाहिए। ठीक हो गया, सो ये हमें पता लग गया। इसे मिनिमाइज करता हूं और वापस अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी, सो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहां पर 64 बिट विंडो इंस्टॉल करनी चाहिए। सो इस पर क्लिक करते हैं, इसे आपने यस कर देना है। जी, अब क्योंकि हम इंस्टॉलेशन में है तो कहीं कहीं हमें डिले भी आएगा, तो अगर मैं इस डिले को खत्म करूंगा तो आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। सो हमें इस डिले के साथ ही इस वीडियो को देखना है। जी, ये एग्रीमेंट हमारे पास एक आ रहा है, सो यू हैव टू एग्री विद दिस एग्रीमेंट, आई एग्री। जी, अभी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लोड होना शुरू हुआ है, और आगे वो आप अगले स्टेप में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप इसे कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो। ये इसकी बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लोकेशन आ रही है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसे चेंज कर सकते हैं मगर मैं नहीं कर रहा। और नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पेस रिक्वायर्ड, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है तकरीबन 11 MB का। ठीक है, और बता रहा है कि आपके पास इतनी स्पेस है कि नहीं है, ये जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपके पास स्पेस खत्म हुई हो तो आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कीजिए। और प्रोग्राम का नाम आप देख रहे हैं ना, क्या नाम है, पावर आईएसओ। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट करें। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुकी है,
कहता है फाइल एसोसिएशन, इस सॉफ्टवेयर में आप कौन कौन सी फाइलें खोलना चाहते हैं। वैसे मैं तो अपने एक स्पेसिफिक लेक्चर प्लान के साथ यहाँ पर आया हूँ कि जी हम इसमें ISO करेंगे, लेकिन ये और भी इमेजेस की टाइप्स हैं, तो हम करते हैं सारों को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर किसी भी तरह का कोई इमेज हो वो उसको सपोर्ट करे। ठीक है जी, और इसको अब हम क्लोज कर देते हैं बेशक। अच्छा एक और चीज देखें, वर्चुअल ड्राइव मैनेजर। अच्छा एक तो हम इससे ISO बना लेंगे, एक इसका और फायदा भी है हमारे पास कि हम इससे वर्चुअल ड्राइव भी बना सकते हैं। वर्चुअल ड्राइव का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आपके पास फिजिकली अपने लैपटॉप के साथ या डेस्कटॉप पीसी के साथ तो एक ही ड्राइव लगी होगी, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं 3-4 गेम्स प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 3-4 गेम्स खेलना चाह रहा हूँ एट द सेम टाइम, तो मुझे 4 ड्राइव्स की ज़रूरत है। सो मैं वर्चुअल ड्राइव्स बना सकता हूँ जो कि फिजिकली तो नहीं होंगी, लेकिन मैं फिजिकल ड्राइव्स को उनके अंदर कॉपी करूंगा और वो मेरे सिस्टम में वर्चुअल ड्राइव के तौर पर नजर आ रही होंगी। ये लेक्चर का क्योंकि हमारा फोकस इस बात पे नहीं है इसलिए मैंने इसको क्विकली बता दिया। मैं इस पर भी कोई अलहदा से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि फिजिकल ड्राइव और वर्चुअल ड्राइव इन दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं जी। जी अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्रैक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका फुल एंड फाइनल वर्जन यूज करना है तो आपके पास इसका क्रैक होना चाहिए। सो जो लोग रिक्वेस्ट करेंगे मुझसे सॉफ्टवेयर की, वो मुझसे इसका ले सकते हैं, क्रैक भी ले सकते हैं, इसका सीरियल नंबर भी ले सकते हैं। जब भी आपने किसी क्रैक को चलाना हो आपने उस पर राइट क्लिक करना है, ये याद रखना है, और आप उसको हमेशा इस ऑप्शन की मदद से चलाएंगे। जब भी आपने किसी क्रैक को चलाना हो आप उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ताकि तमाम परमिशंस के साथ वो चले, यस कर। और यहां पर यूजर्स आप जनरेट के बटन पर क्लिक कीजिए। सो यहां पर आपको एक सीरियल की जनरेट हो रहा है, इसे राइट क्लिक करें और इसे कॉपी करें। ओके, और इसके ऊपर नेम लिखा हुआ आ रहा है हिडन, अगर वो नाम मांगे तो ये भी दे देंगे। इसे क्लोज करते हैं। अब जरा पावर ISO लिखते हैं यहां पर, देखते हैं कि क्या हमारे पास इंस्टॉल हुआ है पावर ISO। जी ये देखिए, ये पावर ISO का एक फोल्डर आ गया ऐप में जी, इस पर क्लिक कीजिए और पावर ISO पे क्लिक कर दें जी। ये क्या कह रहा है, एंटर रजिस्ट्रेशन कोड। फर्स्ट टाइम हम इसमें आ रहे हैं तो हम इसको फुल एंड फाइनल वर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अनरजिस्टर्ड वर्जन से चलना है, हम अनरजिस्टर्ड वर्जन से नहीं चलेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स इसमें काम नहीं कर रहे होंगे, तो हम एंटर रजिस्ट्रेशन कोड पे जाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा था जी, यूजर नेम में हिडन, वीडियो पीछे जाकर आप चेक कर सकते हैं, और कंट्रोल वी यहां पर लिख कर देते हैं हम पेस्ट। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन नाउ। ठीक है जी, बी हैप्पी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है अब ये क्रैक हो चुका है। सो इस लेक्चर के इस एपिसोड में मैंने आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और क्रैक करना सिखाना था। ठीक हो गया, आई होप कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपको ये कहीं से सॉफ्टवेयर मार्केट से मिल जाता है क्रैक के साथ तो आप ले लें, अदरवाइज आप मुझे इसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे ये ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, विंडोज इंस्टॉलेशन की हम बूटेबल डिस्क USB तैयार कर रहे हैं। इसका एक एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका हुआ है और दूसरे एपिसोड में, पहले एपिसोड में मैंने आपको पावर ISO इंस्टॉल करना और क्रैक करना सिखाया था, और ये एक छोटा सा क्लिप है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जो आपके पास विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो DVD या CD मौजूद होगी तो आपने उसका इमेज कैसे बनाना है, तो ये आप सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे ये काम। आपने DVD जो है वो CD रोम में या DVD रोम में इंसर्ट कर देनी है, उसके बाद आपने फाइल में आने हैं, और फाइल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रही है ओपन CVD और DVD, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, इसे ओके कर दें। बेशक एक दफ़ा इसे रिफ्रेश कीजिए और इम्पोर्ट कीजिए। सो इस तरह करने से ये लोड हो जाएगी। ठीक है, CD लोड हो गई आपकी। अब आपने इसका जो टॉप लेबल है उसको चूज कर लेना है ताकि सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने टूल्स में जाना है, टूल से आपने इस ऑप्शन पर आना है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जिस पे लिखा हुआ आ रहा है मेक CD DVD इमेज फाइल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, इसे ओके कीजिए, और यहां से लिखा हुआ आ रहा है डेस्टिनेशन फाइल। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, सोर्स क्या आपका CD है, और यहां से आप ISO इसका बनाएंगे,
और यहां से आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि यहां पर एक फाइल पहले से पड़ी हुई है, तो क्या आप उसे ओवरराइट करना चाहते हैं? अगर आप पहली दफा बनाएंगे तो ये वाला जो मैसेज है ये नहीं आएगा। ठीक है जी, यस, ले प्रोसेस शुरू। नो, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डीवीडी, क्योंकि डीवीडी तकरीबन 3 GB की डीवीडी है, तो ये तो तकरीबन घंटे की रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी। इसमें अब मजीद कुछ भी नहीं है, इसने 100% तक जाना है और कंप्लीट हो जाना है, और आपने फोल्डर में जाकर देखना है तो आपको इमेज रेडी मिलेगा। सो हमने दो स्टेप्स कर लिए हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको इंस्टॉलेशन करनी सिखाई थी, और दूसरे स्टेप में मैंने आपको डीवीडी को लोड करके उसका इमेज बनाना सिखाया है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपके पास एक फाइल आ रही होगी जो कि जिसकी टाइप ISO होगी। इट्स ओके, लें जी, हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर रोकते हैं और देखते हैं कि इसके बाद अगला स्टेप क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विंडोज की इंस्टॉलेशन USB बनाने का तीसरी एपिसोड में मैं फिर आपके साथ हूं, और इस एपिसोड में आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में ISO इमेज तैयार कर लिया था। अब हमने ये देखना है कि हमने जो USB रेडी करनी है वो किस तरीके से USB रेडी करेंगे, यानी उस ISO इमेज से बूटेबल USB कैसे बनाई जाएगी। सो इस मकसद के लिए ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये आपको नेट से भी मिल सकता है, रिफर्स के नाम से है, और इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, ये ISO से बूटेबल USB बनाएगा। सो आप इस पर डबल क्लिक, और यहां पर ये खुल गया आपके सामने। अगर इसको खोलते हुए आपको अपडेट का मैसेज आए आप जरूर इसे अपडेट कर लें। ठीक है जी, अब आप यहां पर हम आ गए हैं। इसके लिए आपको मिनिमम आपके पास 8 GB की USB होनी चाहिए। सो मैंने इस वक्त 16 GB की USB इसमें लगाई हुई है। ठीक है, और यहां पर ये देखें, ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है सारे का सारा। ठीक है, किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना, आपने यहां पर आ जाना है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ISO इमेज, और इसके सामने डिस्क बनी हुई है। सो ये लोकेशन देखिएगा, ये मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने डी के ऊपर डिस्क इमेजेस के अंदर विंडोज का एक फोल्डर है जिसमें मैंने दोनों फाइलों को रखा है। तो आपका इमेज जहां पर भी पड़ा होगा आपने उसे लोड कर लेना है यहां से। ठीक है, सो ये मैंने चूज कर लिया, ये मैंने डिस्क इमेजेस में रखा हुआ था। ठीक, अब क्या होगा कि अगर तो आपकी USB में कुछ पड़ा हुआ है वो USB आपकी फॉर्मेट होगी और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया, यस कर दिया। लें जी, बहुत आसान सा तरीका था, लेकिन आप लोगों से क्योंकि ये हिडन था, आप लोगों को ये आता नहीं था, सो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम था कि भाई USB कैसे बनाई जाती है। सो अब उसने क्या किया है कि जो उसके पास ISO की फाइल थी उसने एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखा हुआ था सब कुछ। ठीक है, अब उन सब फाइलों को ओपन कर रहा है और उन फाइलों को USB पे कॉपी करना शुरू कर दिया उसने। सो इट टेक्स टाइम। ठीक है, और ये फिनिश होगा बस, उसके बाद आपने फाइनली इसको फिनिश कर देना है और आखिर में आपकी USB बिल्कुल तैयार है। अब आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं USB से। अब हमारा आखिरी स्टेप रह जाएगा कि हमने इस USB से विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है। सो इंशाल्लाह उस लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपके साथ आऊंगा। ठीक है, अब इस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट आपके डिपेंड आपकी USB की स्पीड कितनी अच्छी है। ठीक है, उस पर टाइम लग जाएगा हमारा। सो इसलिए इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मुकम्मल ये प्रोग्रेस बार आपको नजर आ रही है, इसने यहां तक चलना है और यहां पर फिनिश का मैसेज आएगा और नीचे भी पता लग जाएगा कि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो इट्स ओके। सो ये मैंने मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपको बताए हैं। पहले प्रोसेस में हमने पावर ISO इंस्टॉल करना और क्रैक करना सीखा। दूसरे प्रोसेस में हमने विंडोज की जो DVD थी उसका इमेज बनाना सीखा, और तीसरे प्रोसेस में हमने ये सीखा कि जो ISO को कन्वर्ट करेगा बूटेबल USB में, उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, आपने सॉफ्टवेयर को खोला, आपने डिस्क को लोड किया और प्रोसेसिंग शुरू हो गई और ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स। अब आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोग्रेस बार मुकम्मल हो चुकी हुई है। ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेडी इसका, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, वन डिवाइस फाउंड, इसे आप क्लोज करें। इसका मतलब ये है कि हमने बूटेबल विंडोज 10 की DVD बना ली है। ठीक है, इसे क्लोज कीजिए। जिस PC में आकर जरा देखते हैं जी, ये पूरी की पूरी हमारी CD तैयार है। इसमें मैं सेटअप पे क्लिक करता हूं, जरा नो डाउट हम इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए क्लिक किया।
अभी अगले लेक्चर में जो इसका फाइनल एपिसोड होगा उसके अंदर अब आपको ये सिखाया जाएगा कि आपके पास चाहे डेस्कटॉप पीसी है या लैपटॉप है तो आप लोगों ने किस तरीके से विंडो को इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो ये इसने प्रोसेस शुरू किया, ये दिखाने का मकसद था कि ये बिल्कुल सक्सेसफुली बन चुकी है। ठीक है, सो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। जी अस्सलाम वालेकुम, और आज हम इंस्टॉलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। आपने जैसे ही कंप्यूटर चलेगा तो सेटअप में जाना है, F10 प्रेस करके भी जा सकते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके भी जा सकते हैं और F2 प्रेस करके भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने बूट पे आ जाना है, बूट में डिफरेंट बूट सीक्वेंसेस आ रहे हैं, सो आपने बूट सीक्वेंस चूज कर लेना है रिमूवेबल डिवाइसेस, और रिमूवेबल डिवाइसेस को ऊपर ले आना है। जो भी बूट सीक्वेंस टॉप पर आ रहा होगा इसका मतलब ये होगा कि आपका कंप्यूटर जब चलेगा तो वो उस डिवाइस को डिटेक्ट करेगा फॉर बूटिंग पर्पज। ठीक है, इसके बाद आपने एस्केप करना है तो सेव का मैसेज आएगा और आपने इसको सेव करते हुए यहां से बाहर निकल जाना है और अब आपने विंडोज से बूट करना है। अगर मैसेज आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी तो की प्रेस करेंगे आप और ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहां से आपने नेक्स्ट कर लेना है, ये ऑटो लैंग्वेजेस ठीक सेलेक्ट हुई होंगी। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर दोगे, यहां से इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जी यहां से आपने इंस्टॉल नाउ इसको स्किप कर देना है आपने इस पार्ट को। ठीक है, मैं आपको क्रैक बताऊंगा कि आपने किस तरीके से क्रैक की मदद से विंडो को वैलिडेट करना है। जी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट कर देना है आपने। अपग्रेड नहीं करना, आपने कस्टम वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वक्त जो आपको पार्टीशन नजर आ रही है नीचे डिलीट का बटन बना हुआ है, उस बटन की मदद से वन बाय वन इन दोनों पार्टीशंस को खत्म कर देना है ताकि हम जो नई विंडो इंस्टॉल करें वो बिल्कुल क्लीन हो। सो एक एक करके आप खत्म करोगे, पहले एक को खत्म करेंगे उसके बाद दूसरी वाली को खत्म करोगे। जी ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करें, ओके करें। फिर डिलीट का बटन दबाएं और ओके कर दें, तो दोनों पार्टीशंस डिलीट हो गई हैं। अब आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना है, पहले आपने पार्टीशन को अनपार्टीशन स्पेस को चूज करना है। अगर आप एक से ज्यादा पार्टीशन बनाना चाहती हो तो न्यू करके आप स्पेस बता सकते हैं, और अगर आपने एक ही पार्टीशन बनाना हो तो न्यू कर दें और नेक्स्ट कर दें। ठीक है जी, इसे नेक्स्ट करेंगे तो वो खुद ही एक पार्टीशन बना देगा, न्यू करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको किस साइज की पार्टीशन बनानी है। लें जी ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है ताकि इसमें टाइम हमारा वेस्ट ना हो। लें जी ये सारा का सारा काम खत्म, विंडो रीस्टार्ट होगी। अब आपने की प्रेस नहीं करनी, पहली दफा आपने कहना था उसे कि यूएसबी से चलो, अब नहीं आपने उसे कहना, अब उसको हार्ड डिस्क से चलना चाहिए क्योंकि फाइलें कॉपी हो चुकी हैं। जी ये स्टार्ट हो रहा है सारे का सारा प्रोसेस, और होपफुली इसमें जितनी इंटरेक्शन आपने करनी थी वो खत्म हो चुकी है, अब ये तकरीबन सारे का सारा काम ऑटो पर ही चलेगा। ठीक है, इसमें बहुत फ्रेंडली ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट की आपने एंटर नहीं करनी, स्किप कर दें इसको। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है हमारा इंस्टॉलेशन का, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं और नीचे वाली ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे वाली को चूज कर लें, मतलब इस कंप्यूटर को कौन यूज कर रहा है, अगर आप पर्सनली यूज करना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन चूज कीजिए। ठीक है, अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है तो यहां पर आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं और आप इसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो। अगर आपका हॉटमेल के ऊपर कोई ईमेल अकाउंट है तो वो लगा लें, उसका बड़ा फायदा होगा आपको, आप इसके ऐप्स को यूज कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने अपने अकाउंट को हॉटमेल ईमेल अकाउंट के साथ एसोसिएट करना है, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ एसोसिएट करना है, तो आप विंडोज के मैक्सिमम फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके मैक्सिमम फीचर्स यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ले जी आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, विंडोज स्टार्ट होने जा रही है,
और अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पर। आई होप मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सारा सिखा दिया है। सो हमने, आप जानते हैं कहाँ से शुरू किया था, हमने आईएसओ पावर आईएसओ इंस्टॉल करना सीखा, हमने आईएस डीवीडी को आईएसओ में कन्वर्ट करना सीखा, फिर हमने आईएसओ से यूएसबी बनानी सीखी, और इस लेक्चर में हमने बूट सीक्वेंस सेट करना सीखा और पूरी की पूरी विंडो इंस्टॉल करना सीखी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।